हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूँ किस प्रकार से आप जो हमारी स्टील बार होती है, जिसे हम सरिया बोलते हैं नॉर्मली, तो उसको बिना तोले आप उसका वेट किस प्रकार निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले जो आपका स्टील होता है, जो स्टील रॉड होती है, जो उसका लेंथ होता है वो 12 मीटर होता है मैक्सिमम। इससे ज़्यादा कोई भी स्टील बार नहीं होते हैं। और जो इसका डायमीटर होता है, ये अलग अलग टाइप में आपको मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे 8 mm, 10, 12, 14, 16 mm, 16 mm तक के आपको ये मार्केट में मिल जाएंगे। इससे ज़्यादा भी मिलती है, लेकिन नॉर्मली हम यहाँ तक लेके चल रहे हैं। अगर मैं बात करूँ, एक 8 mm का हमारा क्या है, स्टील बार है, और जिसकी लेंथ 12 मीटर है, तो इसका वेट हम बिना तोले कैसे निकालें। तो इसके लिए एक बेसिक सा फॉर्मूला है, d² / 162। इससे आपका क्या निकल जाएगा, वेट निकल जाएगा। तो सबसे पहले हम 1 मीटर लेंथ के लिए वेट निकालेंगे, 1 मीटर लेंथ ऑफ स्टील बार। तो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, डी हो गया हमारा डायमीटर, तो ये 8 दे रखा है, तो इसका स्क्वायर 8 की मल्टीप्लाई कर देंगे 162 से। तो जो इसकी वैल्यू निकल आती है, वो आती है आपकी 0.339 किलोग्राम पर मीटर। इसका मतलब क्या है, 1 मीटर में आपका वेट कितना है, 0.39, और आपका जो स्टील बार है उसकी टोटल लेंथ है 12। तो इसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.39 की, तो ये निकल आता है आपका टोटल 4.69 किलोग्राम। तो एक हमारी स्टील रॉड होती है, जो स्टील बार, उसका टोटल वेट होता है, अगर 8 mm डाया का है, 4.69। इसी प्रकार एक बंडल के लिए निकालेंगे, तो एक बंडल में सबसे पहले हमारी सरिया कितनी होती है, 12। तो अगर टोटल एक बंडल का वेट निकाला, अगर 8 mm डाई का स्टील आपके पास है, तो इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये टोटल निकल आएगा आपका 56.16 किलोग्राम। तो इस प्रकार आप निकाल सकते हैं। अगर आपका किसी भी एमएम का हो, चाहे वो 10 mm, 12, 14, 16, किसी भी एमएम का हो, इस प्रकार से आप बिना तोले किसी भी स्टील रॉड का वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू।